तो भाई अभी मैंने जैसे एक वीडियो बना के डाली थी, और अभी अभी जस्ट फुकरे इंसान ने भी अपनी एक कमेंट में उसका रिप्लाई दे दिया है कि वो जो सिचुएशन चल रहा है अभी उसके रिगार्डिंग, तो मैं आपको कमेंट वगैरह सुनाता हूँ। हाय अभिषेक, जो करंट सिचुएशन चल रही है क्या सही है गलत, नहीं क्या सही है क्या गलत डोंट नो, बट मैंने आपकी फ्रेंडशिप का बहुत पसंद किया है और हमेशा रिस्पेक्ट करूंगी। आई होप जो चल रहा है उसे आप दोनों की दोस्ती पर कोई असर ना होगा, लव यू बोथ ऑफ यू। तो वहां पे अभिषेक जी ने रिप्लाई दिया है, दोस्ती थी है और रहेगी, ऑलवेज स्टे पॉजिटिव स्टे हैप्पी। भाई मेरे को आप बताओ कहाँ किस इंटरव्यू में आप बोल रहे हो बहन है, किस इंटरव्यू में बोल रहे हो कि भाई मेरे दोस्त है, तो या फिर भाई आप बहन बोलो या फिर दोस्त बोलो या फिर आप दोनों इंक्लूड करके बोल दो। आप थोड़े ना कि एक ही जगह बोल रहे हो कि भाई यहाँ मैं बोलूंगा बहन, यहाँ बोलूंगा मैं दोस्त, की दोस्ती भी कोई फर्क ना पड़े, बहन की भी कोई फर्क ना पड़े। चलो ठीक है, मैं एक क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, आपने फिर रैंडम चैनल को क्यों फॉलो कर रखा है, जब आपके पूरे परिवार के बारे में जो नेगेटिविटी थी बोली थी आपने उसको फिर फॉलो क्यों कर लिया। रैंडम चैनल भी मनीषा रानी के इमेज को गिरा रही है। भाई मैंने खुद रैंडम चैनल को मैंने पिछले 4 महीने से फॉलो कर रखा है, लेकिन अब मैंने आज जाकर उसे अनफॉलो किया, क्यों? क्योंकि वो किसी लड़की की इज्जत उछाल रहा है। तो फुकर भाई आपने एक इंटरव्यू में बोला था कि फैंस के प्रेशर से आपने उसे दोस्त बोला था, तो आपने एक और कमेंट अभी किया, तो ये कमेंट भी आपने क्या फैंस के प्रेशर से किया है? अगर भाई जो सच है सच को बीच रास्ते में आके बताओ, उसे घुमराओ मत, एक इस पे प्रॉपर वीडियो